तारीख 26 अगस्त जब जन्माष्टमी के मौके पर पूरा देश अपने अपने घरों में अपने कान्हा की स्वागत की तैयारियों में लगा था, उसी दिन दोपहर में एक सरकारी शिक्षिका का शव बारिश के दौरान सड़क किनारे इलाके के एक जंगल से बरामद हुआ था। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने जब पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो पता चला कि उसकी गला घोटकर निर्ममता से हत्या की गई है। सरकारी शिक्षिका की हत्या से हड़कंप मच गया। हर तरफ लोगों की जुबान पर सिर्फ यही सवाल थे कि आखिर शिक्षिका की हत्या का जिम्मेदार कौन है, क्यों और कैसे उसकी मौत को अंजाम दिया गया है। मुकदमा दर्ज कर पुलिस तफ्तीश शुरू करती है। इधर महिला शिक्षिका की शिनाख्त कमलेश निवासी मोहल्ला जोशियाना थाना दक्षिण के रूप में होती है। वह पेमेसर गेट स्थित सरकारी स्कूल में तैनात थी। तभी पुलिस की तफ्तीश में सीसीटीवी की छानबीन के दौरान लाल रंग की एक गाड़ी दिखाई पड़ती है, जिसको ट्रेस किया गया तो देखा गया कि शव उसी गाड़ी से फेंका गया था। पुलिस गाड़ी की तलाश शुरू कर देती है और जब आरोपी तक पहुंचती है और कड़ाई से पूछताछ करती है तब जो खुलासा हुआ उससे हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। रविवार को पुलिस ने फिरोजाबाद के चर्चित शिक्षिका हत्याकांड का खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार शिक्षिका की सहेली एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री ने अपने 3 साथियों से मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी 3 फरार आरोपियों पर एसएसपी ने 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। 50 लाख रुपए का कर्ज होने जिसे वापस नहीं करना चाहती थी मृतका की सहेली ने शिक्षिका को अपने साथियों संग मिलकर मौत के घाट उतरवा दिया। रविवार को खुलासा करते हुए एसपी ग्रामीण अखिलेश भदौरिया ने बताया कि 26 अगस्त को सरकारी शिक्षिका कमलेश का शव थाना नसीरपुर क्षेत्र के पुनंचा रोड पर पड़ा मिला था। तभी से पुलिस लगातार हत्यारोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास में जुटी हुई थी। जांच पड़ताल में बिल्लू उर्फ सागर पुत्र राम प्रकाश निवासी नगला गोकुल थाना बसई मोहम्मद उर्फ फिरोजाबाद का नाम सामने आया है। रविवार को पुलिस ने आरोपी को नौरंगी घाट बटेसर रोड से घटना में प्रयुक्त आई-10 कार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में उसने पूरी घटना बयां कर दी है। आरोपी ने बताया कि उसकी फिरोजाबाद में बरी चौराहे पर मोटरसाइकिल रिपेयरिंग की दुकान है, जिस पर वह और उसका साला T2 उर्फ संदीप यादव पुत्र हरी बाबू निवासी नगला कहरी थाना घिरोर जिला मैनपुरी काम करते हैं। T2 उसके ही घर पर करीब 15 वर्षों से रह रहा है। नगला एदल आसपास की रहने वाली सीमा से उसकी दोस्ती है और उसका उसके घर पर भी आना जाना था। सीमा उसे तथा T2 को अच्छी तरह से जानती है। चंद्रवार गेट की रहने वाली कमलेश जो सरकारी टीचर थी उनका भी सीमा के घर पर ही आना जाना था। सीमा आंगनबाड़ी व प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करती है। बिल्लू भी कभी कभी उसका काम देख लिया करता था। सीमा ने कमलेश से धीरे धीरे कर वर्ष 2019 से लगभग 50 लाख रुपए उधार ले लिए थे, जो कमलेश अब सीमा से रोज रोज तगादा करती थी, जिससे सीमा परेशान होने लगी। सीमा ने बिल्लू को ये बात बताई कि कमलेश को रास्ते से हटाना है। इसके लिए वह अपने साले T2 व गांव के ही रहने वाले हरिशंकर को सीमा के पास लेकर गया और सबने कमलेश को मारने का प्लान बनाया। सीमा से हरिशंकर व T2 को यह काम करने के लिए 1-1 लाख रुपए देने की बात तय हुई। फिर सब लोगों ने जन्माष्टमी वाले दिन दोपहर में यह काम करने का प्लान बनाया। सीमा का बिल्लू के पास फोन आया कि गाड़ी लेकर अस्फाबाद रेलवे ब्रिज के नीचे आ जाओ। उसने कमलेश को वहीं पर बुला लिया है, जिसके बाद दोपहर में बिल्लू गाड़ी लेकर पुल के नीचे पहुंचा। उसके साथ में पहले से ही हरिशंकर पीछे वाली सीट पर बैठा था। पुल के पास सीमा तथा कमलेश आ गई, जिनको उसने गाड़ी में पीछे वाली सीट पर बिठा लिया और प्लान के अनुसार मटसेना रोड पर लेकर गाड़ी को चल दिए। 1 किलोमीटर चलने के बाद गाजीपुर पर बने मंदिर के पास पहले से खड़े T2 को भी गाड़ी में बिठा लिया गया। फिर जैसे ही आगे बढ़े तो बारिश पड़ने लगी और ग्राम गढ़ी चकरपुर पार करने के बाद सुनसान जगह देखकर हरिशंकर सीमा व T2 ने मिलकर कमलेश के दुपट्टे से ही उसका गला घोट दिया। इस दौरान बिल्लू लगातार गाड़ी चलाता रहा। जब कमलेश की मौत हो गई तो उसकी लाश को पुनंचा गांव के रास्ते में फेंक दिया गया। सबूत मिटाने के लिए गाड़ी को भी धुलवा दिया गया। एसएसपी सौरभ दीक्षित ने फरार चल रहे आरोपी सीमा यादव हरिशंकर व T2 पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। आइए सुनते हैं
मामले की जानकारी देते हुए एसपी ग्रामीण आरपी दौरिया ने क्या जानकारी दी है। थाना नसीरपुर क्षेत्र में पुनेच्छा जो गांव है वहां पर हमको 26/8 को दिन में एक अज्ञात बॉडी अज्ञात शव बरामद हुआ था, जिसकी बाद में पहचान एक शिक्षिका कमलेश के रूप में हुई जो यहाँ फिरोजाबाद शहर क्षेत्र की रहने वाली थी और जिसकी जिसके शव को वहां पर किसी माध्यम से पहुंचाया गया था। पुलिस ने इसमें बहुत ही तत्परता से काम किया और हमारी इसमें चार टीमें इसमें लगाई गई थी जिसमें हमारी एसओजी और फेरब्लांस की टीम ने भी सहयोग किया और इसमें जो आसपास के सीसीटीवी फुटेज थे उनको बहुत ही सघनता से देखा गया। क्षेत्राधिकारी सिरसागंज के नेतृत्व में सारा काम ये हुआ जिसमें मौके से कुछ दूरी पर एक गाड़ी जाती हुई दिखी थी जो संदिग्ध थी, उसको पुलिस ने ट्रैक किया और उस गाड़ी के माध्यम से ही जो गाड़ी का तत्कालीन ओनर उससे बात की गई, उसने बताया कि वो गाड़ी किसी अन्य व्यक्ति को उसने दी है चलाने के लिए। इस प्रकार से वो थर्ड उसका जो ओनर जिसके पास वो गाड़ी थी जिसका नाम बिल्लू और सागर है जो एक इसका मैकेनिक है मोटरसाइकिल वगैरह का, आज पुलिस थाना नसीरपुर पुलिस ने उस बिल्लू को गिरफ्तार किया है और बिल्लू ने इस घटना में स्वयं की संलिप्तता सहित विस्तार से पूरी घटना बताई है। उसने जो पूछताछ में बताया है उसके अनुसार जो मृतका कमलेश थी ये इसकी एक सहेली जिसका नाम सीमा यादव है जो एक प्रॉपर्टी का और पैसों का कुछ लेन देन का भी काम करती है, उसको धीमे धीमे मृतका कमलेश ने लगभग 30-35 लाख रुपया लंबे समय में दिया था उसके पास के उसको कई जगह पर उनको इन्वेस्ट कर देगी। वो उसको कमलेश को अपनी बेटी की शादी के लिए उन पैसों की आवश्यकता थी तो उसने उन पैसों को उससे वापस मांगना शुरू किया जिसको वो टाल मटोल कर रही थी लगातार सीमा, और इसी क्रम में इन लोगों ने सीमा के साथ में बिल्लू और दो इनके अन्य साथी उन्होंने योजना बनाई कि इसको बुला के इसकी हत्या कर देंगे और इस पैसे से इनको मुक्ति मिल जाएगी। इसी क्रम में सीमा ने इसको कमलेश को फोन करके एक नियत स्थान पर बुलाया जहां पर जो बिल्लू अपनी एक i10 गाड़ी जो लाल कलर की थी उसको लेके आया था और उसमें बिल्लू के साथ में उसका एक साथी हरिशंकर भी था। इन्होंने पूर्व से ही तय किया था कि आगे चल के इसको बिल्लू का एक साला जिसका नाम टीटू है वो इनको आगे मिलेगा और उसको कमलेश को इन्होंने उसी गाड़ी में बिठा लिया और आगे जाके इसका बिल्लू का साला टीटू मिला जो उस गाड़ी में शामिल हो सवार हो गया। इस प्रकार उस गाड़ी में मृतका के अलावा सीमा, हरिशंकर, टीटू और बिल्लू ये चार लोग थे। गाड़ी में ही इन्होंने पीछे की सीट पर उस महिला की गला दबाकर उन्होंने हत्या की और उसको एकांत में जंगल में जाके सबको छोड़ा। ये इस प्रकार ये बिल्लू की गिरफ्तारी हुई है और इस घटना का अनावरण पुलिस के द्वारा किया गया। इसमें हमारी टीम ने बहुत ही मेहनत से कार्य किया था, इसके लिए उनको वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय की ओर से उनको पुरस्कार की घोषणा भी की गई है और ये जो हमारी टीम है उन्होंने इसमें अच्छा किया है, इसके लिए इनकी प्रशंसा। अभी एक आरोपी गिरफ्तारी हुई है, जो शेष आरोपी हैं अभी सीमा, हरिशंकर और टीटू उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी और उनसे भी इसमें पूछताछ की जाएगी। साथ ही इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये इसको मारने के लिए इसकी हत्या करने के लिए इसको हरिशंकर से 1 लाख रुपया देने के लिए भी बात हुई थी जिसमें से उसको करीब 40,000 रुपया उसको दिया भी गया है ऐसा इसने पूछताछ में बताया। सीमा टीचर नहीं है, सीमा एक उसका काम करती है, ये आंगनवाड़ी की कार्यकर्ती है और ये प्रॉपर्टी वगैरह का भी काम करती है। नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।